Hello friends, so let us continue with capital budgeting. Now we are moving into the more important parts of capital budgeting where we will be discussing now the more important topics. Sir, जो अभी तक किया था क्या वो important नहीं था? वो भी important था, बिल्कुल था, लेकिन वो अब जो topics आ रहे हैं वो उनका base था एक तरह से हम कह सकते हैं, ठीक है? तो जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज होता जाएगा, दैट इज व्हाट आई मेंट। तो कैपिटल बजटिंग में अब हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज की थी जिसके बारे में हमने डिस्कस किया था, दैट वाज कैश फ्लो एनालिसिस। तो हम लोगों ने क्या कहा था कि जब भी हमने कैपिटल बजटिंग से रिलेटेड डिसीजन लेना है कोई भी, जब भी हमारे पास अगर कैपिटल बजटिंग डिसीजन है तो हम वहां पर नेट प्रॉफिट को कंसिडर ना करके हम किसको कंसिडर कर रहे हैं? कैश फ्लोज को, राइट? कैश फ्लोज में हमारे पास क्या है? दो चीजें हैं, कैश इनफ्लो एंड कैश आउटफ्लो। तो जब भी हम कैश फ्लोज की बात करते हैं तो कैश फ्लोज में दो चीजें हैं, या पैसा आएगा या जाएगा, सिंपल है। आपकी पॉकेट में अगर पैसा है या वो पैसा आप खर्चा करोगे, या जाएगा पैसा या आपकी पॉकेट में और आएगा पैसा, तो दो ही केस हो सकते हैं कैश फ्लोज में। तो यहां पर हम लोग किसको कंसीडर नहीं करते? हम लोग नेट प्रॉफिट को कंसीडर नहीं करते, एक्सेप्ट फॉर वन टेक्निक, दैट इज एआरआर, जो हम लोग कवर कर चुके हैं, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। तो हमारे पास एक ही ऐसी टेक्निक थी जिसमें हम कैश फ्लोज ना कंसीडर करके हम नेट प्रॉफिट कंसीडर कर रहे थे, राइट? सो अगर टेक्निक्स की बात करें तो टेक्निक्स को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया था। अगर टेक्निक्स की बात करें हम कैपिटल बजटिंग की, क्या कि जो कैपिटल बजटिंग के डिसीजंस हैं वो हमारे किस तरह से हम ले सकते हैं, ठीक है? तो हमने उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया था। कौन कौन सी? एक हमने किया था ट्रेडिशनल और एक हमने की थी डिस्काउंटेड, ठीक है जी? इसको हम बोलते हैं नॉन टाइम एडजस्टेड, डिस्काउंटेड को हम बोलते हैं टाइम एडजस्टेड। क्या था वो? मैंने वो मीनिंग समझा दिया था आपको, ठीक है? तो इसमें अब ट्रेडिशनल में हमारे पास था एआरआर था, और दूसरी कौन सी थी? दूसरी हमारे पास थी पे बैक पीरियड। एआरआर हम लोग कर चुके हैं, डिस्काउंटेड में हमारे पास कई थी, एनपीवी है, आईआरआर है, ठीक है जी? तो कई सारी है हमारे पास डिस्काउंटेड में। और अगर ट्रेडिशनल की बात करें तो ट्रेडिशनल में हमारे पास दो ही थी, हमारे पास एआरआर है और दूसरा कौन सी थी? पे बैक पीरियड। एआरआर हम लोग कवर कर चुके हैं, तो अब इस लेक्चर में जो हम टेक्निक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है पे बैक पीरियड। Now, what is this payback period technique and how it is being used? How it is being used for the capital budgeting decisions? कि ये जो payback period है इसको हम capital budgeting decisions में किस तरह से use कर सकते हैं? देखो, अब ये जो नाम है payback, इससे कुछ समझ में आ रहा है आपको? नहीं सर, कुछ भी समझ में नहीं आया हमें। मैंने एक मशीनरी ली, मशीनरी क्या है? मेरा लॉन्ग टर्म एसेट है, तो अगर मशीनरी लूंगा तो इट इज माई कैपिटल बजटिंग डिसीजन। एक चीज क्लियर हो गई, ठीक है जी? मैंने एक मशीनरी ली, इस मशीनरी के ऊपर, ये मशीनरी कितने की ली मैंने? ये मशीनरी सर मैंने ली 10 लाख रुपए की। तो जब मैंने ये मशीनरी बाय की है 10 लाख रुपीज की, सो दिस 10 लाख रुपीज इज वॉट? दिस इज माई कैश आउटफ्लो, दिस इज माई कैश आउटफ्लो, क्लियर? नाउ अब ये मशीनरी हम लोग बिजनेस में यूज करेंगे और हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि इस मशीनरी से हमें फायदा होगा। जो हमारी पुरानी मशीनरी थी वो खराब हो गई, वो हमें नुकसान दे रही थी, इस मशीनरी से हमें फायदा होगा, हमारी सेल्स इंक्रीज हो सकती है, हम नंबर ऑफ यूनिट्स ज्यादा प्रोड्यूस कर सकते हैं, अगर ज्यादा यूनिट्स प्रोड्यूस करेंगे या ज्यादा सेल कर सकते हैं, तो इस मशीनरी से हमें फायदा होगा, ठीक है जी? फायदा किस तरह से होगा? इन द फॉर्म ऑफ सेल्स। अब मैंने क्या कहा कि एक बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो कि वो कहता है कि मैंने आज 10 लाख रुपए खर्चा करना है और मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि इस मशीनरी से मुझे फायदा होगा इन टर्म ऑफ सेल्स। अगर मुझे जो इस मशीनरी का जो बेनिफिट होगा, मैं कहता हूं ये बेनिफिट किस तरह से होगा? इन टर्म्स ऑफ इंक्रीज्ड सेल्स।
अब ये आपने कहा बिजनेसमैन को, बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, एक बिजनेसमैन आपसे क्वेश्चन करता है कि जी मुझे बताओ मशीनरी पे 10 लाख रुपए खर्चा कर रहा हूँ तो क्या फ़ायदा होगा। तो आपने कहा मशीनरी पे खर्चा कर रहे हो तो फ़ायदा ये होगा कि आपकी सेल्स, आप नंबर ऑफ़ यूनिट्स ज़्यादा बना पाओगे, अच्छी क्वालिटी बना पाओगे, तो उससे क्या होगी, आपकी सेल्स इंक्रीज होगी, सेल्स ज़्यादा हो जाएंगी इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी ऑल्सो, इन टर्म्स ऑफ वैल्यू ऑल्सो। ठीक है, चलो बिजनेसमैन ने मान लिया, बिजनेसमैन कहता ठीक है जी समझ में आ गया, चीज़ समझ में आई। अब बिजनेसमैन का अगला क्वेश्चन क्या है आपको, उसने कहा मुझे ये बताओ कि फायदा होगा मान लिया, लेकिन ये 10 लाख रुपए मेरे कितने साल में रिकवर हो जाएंगे उस फायदे से, ये जो 10 लाख रुपए आज मैं खर्चा कर रहा हूं कितने साल में वो बेनिफिट से सेट ऑफ हो जाएंगे मेरे। बेसिकली क्या है कि ये जो बेनिफिट है और ये 10 लाख रुपए है, इसका सेट ऑफ करना है आपको। सेट ऑफ से क्या मतलब है कि बिजनेसमैन आपसे पूछ रहा है कि ये 10 लाख रुपए कितने साल में मेरे रिकवर हो जाएंगे फ्रॉम दिस बेनिफिट, इन हाउ मेनी ईयर्स, इन हाउ मेनी ईयर्स कैश आउटफ्लो ऑफ ₹10 लाख विल बी रिकवर्ड, विल बी रिकवर्ड फ्रॉम, विल बी रिकवर्ड फ्रॉम कैश इनफ्लोज इन द फॉर्म ऑफ, इन द फॉर्म ऑफ इंक्रीज्ड सेल्स। तो क्या सर ये हमेशा इंक्रीज्ड सेल्स ही हमारी कैश इनफ्लोज होगी? नहीं, और भी हो सकता है, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस का खर्चा बच गया, वो भी कैश इनफ्लो है। ठीक है, तो कई चीज़ें हो सकती है, मैंने सिर्फ एक फैक्टर लिया कि इंक्रीज्ड सेल के कारण जो कैश इनफ्लोज होंगे कितने साल में। अब ये जो ईयर्स निकालने हैं, उसने कहा इन हाउ मेनी ईयर्स, ये जितने साल आएंगे दिस इज माय पे बैक पीरियड, कि कितने साल में, कितने साल में मुझे ये 10 लाख रुपए अपना पैसा वापस मिल जाएगा, पे बैक हो जाएगी मुझे ये 10 लाख रुपए की। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या आया पे बैक पीरियड में, उसने कहा ये जो कैश आउटफ्लो था, इन हाउ मेनी इयर्स आई विल बी एबल टू रिकवर दिस 10 लाख रुपीज, आई विल गेट माय पेमेंट बैक, मैंने आज पेमेंट की है 10 लाख रुपए की, कितने साल में मुझे वो पेमेंट वापस मिल जाएगी इन द फॉर्म ऑफ इंक्रीज्ड सेल्स और एनी अदर बेनिफिट्स दैट लीड टू कैश इनफ्लोज, राइट, दैट लीड टू कैश इनफ्लोज। समझ में आया पे बैक पीरियड का? सो दिस इज द बेसिक लॉजिक ऑफ पे बैक पीरियड, कि 10 साल में मुझे कितने साल लगेंगे ये 10 लाख रुपए मुझे रिकवर करने में। ठीक, तो सर ये साल अब निकालने कैसे? जब उसने कहा, जब जो बिजनेसमैन था उसने आपसे क्वेश्चन किया कि कितने साल लगेंगे, आप बताओ जी मुझे, राइट, तो आपका अगला क्वेश्चन क्या था? आपका अगला क्वेश्चन ये था कि सर ये मुझे बताओ कि आपके कैश इनफ्लोस कितने होंगे उससे, आपकी अगर सेल, मैंने कहा कि आपके 100 यूनिट बढ़ जाएंगे, तो आपने कहा एक यूनिट की वैल्यू अगर 100 रुपये 1000 रुपये है, तो मैंने कहा 1 लाख रुपए का जो है वो कैश इनफ्लो होगा। क्लियर है कि 1 लाख रुपए का कैश इनफ्लो होगा। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि वो कहता है जी चलो मान लिया, वो कहता है कि ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, मैंने कहा हर साल मेरा 1-1 लाख रुपए का इनफ्लो होगा एंड सो ऑन, मैंने कहा हर साल मेरा 1-1 लाख रुपए का फायदा होगा जो इनफ्लो की फॉर्म में होगा, दिस इज माय कैश इनफ्लो। क्लियर, सो मेरा इनफ्लो क्या है, 1 लाख रुपीज एवरी ईयर विल बी माय इनफ्लो। अगर हर साल 1 लाख रुपए का इनफ्लो है तो ये 10 लाख रुपए आप कितने साल में रिकवर कर लोगे, बता सकते हो? सिंपल मैथमेटिक्स है सर, अगर हर साल 1-1 लाख रुपए फायदा हो रहा है तो 10 लाख रुपए कितने साल में हो जाएंगे? सर बिल्कुल सिंपल है, अगर 10 लाख रुपए रिकवर करने हैं
और हर साल मुझे 1 लाख रुपए का फायदा हो रहा है, तो मैं यहां पर इसको बता सकता हूं कि 10 साल में हो जाएंगे। कोई इसमें लॉजिक नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सिंपल मैथमेटिक्स है कि अगर 10 लाख रुपए रिकवर करने हैं, 1 लाख रुपए हर साल रिकवर कर रहे हो इन द फॉर्म ऑफ कैश इनफ्लोस, तो कितने साल में 10 लाख रुपए कर लोगे? 10 साल में कर लेंगे सर, क्योंकि 1-1 लाख हर साल, 10 साल में 10 लाख, 10 लाख रुपए रिकवर, चलो काम खत्म। ठीक है, बस यही तो कैश इनफ्लो है सर, यही तो पे बैक पीरियड है बस। समझ आ गया आपको पे बैक पीरियड? सर बस इतना सही था, कुछ भी नहीं था पे बैक पीरियड में। तो पे बैक पीरियड का अगर फॉर्मूला उसमें लिखना हो तो आपका क्या लिखोगे? पे बैक पीरियड 10 लाख रुपए क्या था? 10 लाख रुपए था मेरा इनिशियल कैश आउटफ्लो, इनिशियल कैश आउटफ्लो, ठीक है जी। इनिशियल कैश आउटफ्लो जो था वो 10 लाख रुपए था, और किसके अगेंस्ट मैंने रिकवर किया? 1 लाख क्या था मेरा एनुअल, हर साल मेरा कैश इनफ्लो कितना है, दैट इज एनुअल कैश इनफ्लो। इनिशियल कैश आउटफ्लो कितना था? 10 लाख का। एनुअल कैश इनफ्लो, हर साल कैश इनफ्लो कितना है? 1 लाख का, तो 10 ईयर्स। सो 10 साल में मुझे ये 10 लाख रुपए अपना रिकवर हो जाएगा। क्लियर? सो दिस इज हाउ यू हैव टू कैलकुलेट द पे बैक पीरियड। सर ये तो बहुत ही सिंपल था, सिंपल था, ठीक है। मैंने क्या कहा? सिंपल था, अब सिंपल रहेगा नहीं। सर डरा रहे हो अब तो, चलो थोड़ा सा डरना भी जरूरी है तब समझ अच्छा आता है। अब ये जो केस था, ये वाला केस एप्लीकेबल होता है अगर आपके पास इक्वल कैश इनफ्लोज एवरी ईयर, इफ देर आर इक्वल कैश इनफ्लोज एवरी ईयर। सर ये मेथड, ये वाला मेथड आप तभी लगा सकते हो अगर आपके जो कैश इनफ्लोज हैं हर साल के वो 1-1 लाख रुपए रहेगा। 1 में, 2 में, 3 में, 4 में, ईयर 10 तक वो 1-1 लाख रुपए रहेगा, तभी आप ये मेथड लगा सकते हो। तो अब अगर इक्वल ना रहा, तो ये मेरे पास था फर्स्ट मेथड। अब सेकंड मेथड क्या आता है? मैं कहता हूं अनइक्वल कैश इनफ्लोज, अनइक्वल कैश इनफ्लोज। तो सर अगर अनइक्वल कैश इनफ्लोज हैं तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे? वहां पर फिर हम पे बैक पीरियड कैसे निकालेंगे? क्या हम नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं, बिल्कुल पॉसिबल है पे बैक पीरियड निकालना अगर अनइक्वल कैश फ्लोज हैं तब भी। सर हम तो दुआ कर रहे हैं कि एग्जाम में इक्वल कैश फ्लोज आ जाएं, फटाफट से सीधा फॉर्मूला लगाया, पे बैक पीरियड निकाला, काम खत्म। बेटा आईसीआई इतना बेवकूफ नहीं है, इतना इजी क्वेश्चन आपको नहीं डालने वाला, ठीक है। चलो तो सीखते हैं कि अगर अनइक्वल कैश इनफ्लोज हैं तब क्या करेंगे। मैंने कहा कि मेरे पास ईयर 1 है, ईयर 2 है, ईयर 3, ईयर 4, राइट। मैंने कैश इनफ्लोज ले लिए अपने, मैंने अपने कैश इनफ्लोज ले लिए। मैं यहां पर ईयर 5 भी ले लेता हूं, ठीक है। मैंने कहा यहां पर मेरे पास कैश इनफ्लोज हुए 2 लाख के, यहां पे 3 लाख, ठीक है, 5 हो गया, यहाँ पे मेरे पास 4 लाख के हुए और यहाँ पे मेरे पास 5 लाख के हुए, यहाँ पे 6 लाख के हुए, ठीक है। तो हर साल में आपके जो कैश इनफ्लोज हैं वो इक्वल नहीं है। किसी साल 2 लाख हो रहा है, किसी में 3 हो रहा है, किसी में 4 हो रहा है, किसी में 5 हो रहा है, किसी में 6 हो रहा है। पहले क्या था, हर साल में 1-1 लाख रुपए रिकवर हो रहा था डायरेक्टली, 10 ईयर्स आ गया कि 10 साल में रिकवर कर लेंगे। अब नहीं बता सकते हम कि कितने साल में करेंगे। तो इस केस में वो क्या कहता है, क्या करो? वो कहता है क्यूमुलेटिव कैश फ्लोज निकालो, क्यूमुलेटिव कैश फ्लोज निकाल लो। पहले साल में कितने हुए? पहले साल में 2 लाख ही हुए। अब दूसरे साल में क्यूमुलेटिव क्या होगा?
सर पिछले साल के 2 लाख रुपए और इस साल के 3 लाख रुपए, ये ऐड करके मेरे पास क्या बन जाएगा? 5 लाख रुपए, राइट? तीसरे साल में क्यूमुलेटिव क्या हुए? ये 5 लाख रुपए जो पहले और दूसरे साल के थे प्लस तीसरे साल के, तो ये मेरे पास बन के क्या आ जाएगा? 9 लाख रुपए। फिर चौथे साल का 9 लाख प्लस 5 लाख कितना हो गया? 14 लाख, राइट? 14 प्लस 6 लाख कितना हो गया? 20 लाख। इतना पार्ट क्लियर है, ठीक है? अब मुझे बताओ, जो 10 लाख रुपए था, ये क्यूमुलेटिव कैश फ्लोज हैं कि ईयर टू में मुझे जाके 5 लाख रुपए का टोटल फायदा अभी तक का, तीसरे साल में 9 लाख का टोटल, चौथे साल में 14 लाख का टोटल। अब मुझे बताओ कि जो आपका 10 लाख रुपए थे वो कहां पर जाकर रिकवर हुए? 10 लाख रुपए कहां पर जाके, क्या दूसरे साल में 10 लाख रुपए रिकवर हो गए थे? नहीं सर, दूसरे साल में जब इनफ्लो ही 5 लाख का था तो मेरे पास 10 लाख रुपए कैसे रिकवर होंगे? नहीं हुए। तीसरे साल में इनफ्लो 9 लाख का था तो मेरे पास 9 लाख ही रिकवर होंगे, 10 लाख पूरा के पूरा तो रिकवर नहीं हो सकता ना। चौथे साल में गए, चौथे साल में तो 14 लाख हो गया, तो मतलब रिकवर हो चुका है। तो मतलब जो रिकवरी हुई है वो आपकी रिकवरी यहां पर इन बिटवीन हुई है, कहीं पर इन बिटवीन आपको 10 लाख रुपए की रिकवरी हो गई बिटवीन ईयर 3 एंड ईयर 4। सर अब एग्जैक्टली कैसे निकालेंगे? अब हम ये टेबल, ये चार्ट सा तो बना के दे नहीं सकते एग्जाम में, ठीक है? एग्जामिनर ने वैसे ही काट के जीरो दे देना बिल्कुल, कि क्या चार्ट बनाया आपने। ये तो हमारी सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए, एग्जाम में मत ऐसे चार्ट बना देना, ठीक है ना? तो 9 लाख और 14 लाख के बीच में आपका 10 लाख रुपए रिकवर हो गया, ठीक है सर? रिकवर हो गया, इसको कैसे लेंगे हम लोग? अब इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा? वो कहते हैं 9 लाख तो यहां तक रिकवर हो गया था, ठीक है? वो कहते हैं क्या करो, जो आपने अब यहां पर पे बैक पीरियड निकालना है, वो कहते हैं इस पीरियड में और कितना रिकवर करना था? 9 लाख तो हो गया था तीसरे साल तक, तो इस पीरियड में कितना रिकवर करना था? 1 लाख और करना था। मैंने कहा 10 लाख माइनस 9 लाख जो रिकवर हो गया तीसरे पीरियड में मुझे, डिवाइडेड बाय इस पीरियड में 3 से 4 के बीच में कैश इनफ्लोस कितने थे? सर 14 लाख। गलत, 14 लाख तो टोटल थे। मैंने क्या पूछा? सिर्फ इस पीरियड के कैश इनफ्लोस। सर 5 लाख, तो ये 5 लाख, ठीक है? तो ये क्या होएगा? 1 लाख डिवाइडेड बाय 5 लाख, ठीक है जी? तो दिस इज हाउ यू हैव टू कैलकुलेट द पे बैक पीरियड इन केस देयर आर अनइक्वल कैश फ्लोज। सबसे पहले क्यूमुलेटिव कैश फ्लोज निकालो, फिर देखो कहां तक आपका रिकवर होता है, कौन से ईयर तक रिकवर होगा, कौन से पीरियड में रिकवर होगा, उससे पहले तक का पीरियड ले लो, ठीक है? इन बिटवीन के कैश फ्लोज, आपका ये 10 लाख रुपए कहीं इन बिटवीन रिकवर हो रहा है, तो मैंने कहा 9 लाख तो रिकवर हो गया, बाकी कितना बचा? 1 लाख। 1 लाख इस पीरियड में रिकवर हुआ कितने में से? 5 लाख रुपए में से, क्योंकि इस पीरियड के इनफ्लोस कितने थे? 5 लाख। इस 5 लाख में से मेरा 1 लाख रुपया रिकवर हो गया, ठीक है? तो ये पे बैक पीरियड कैसे निकलेगा? 3 साल तो ये जहां तक रिकवर हो गया था, 3 प्लस जितना ये आया प्लस 1/5, ठीक है जी? तो ये जितना भी आएगा आपका 16/5 आएगा, तो ये आएगा आपके पास 3.2। 3 साल 2 महीने लगा लो, जो मर्जी लगा लो, 3.2 ईयर्स में आपका रिकवरी हो गई, राइट? सो इफ यू हैव टू राइट इट इन द फॉर्मूला फॉर्म, तो आप कैसे लिखोगे इसको? समझ में आया? दोबारा समझाऊं एक बार? दोबारा सुन लो, मैंने कहा हर साल में एक बार, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ ताकि एकदम से दिमाग में बैठ जाए, ठीक है? कुछ लोग मुझे कहते हैं कि सर आप बहुत रेपिटिशन कर रहे हो, जल्दी जल्दी से पढ़ाओ, फटाफट से कराओ। मैं इसलिए नहीं तेज करता कि जो कॉन्सेप्ट है वो आपके माइंड में बैठना चाहिए, नहीं तो कोई फायदा नहीं है कॉन्सेप्ट करवाने का, ठीक है? नहीं तो फॉर्मूलाज करवा के मैं भी फटाफट से ख़त्म करवा दूंगा, कोई उसमें इशू नहीं है, ठीक है? मैंने कहा ईयर 1 ईयर 2 ईयर 3 हर साल में अलग अलग मेरे पास कैश फ्लोज हैं।
तो मैंने कहा 9 लाख रुपए तो 3 साल तक रिकवर हो गए मेरे, ठीक है। अब जो 10 लाख था वो 3 और 4 साल के बीच में रिकवर हुआ, ठीक है। कितना? 1 लाख रुपया। 9 लाख तो यहां तक रिकवर हो गया था, तो ये मैंने 3 तो ले लिया पहले। मैंने कहा अब जो बाकी का 1 लाख रुपया बचा था वो इस पीरियड में रिकवर हुआ, तो इस पीरियड में 1 लाख रुपया कितने में से रिकवर हुआ? 5 लाख के इनफ्लो में से। बेसिकली तो यही बन रहा है ना, आउटफ्लो कितना था? 1 लाख उस पीरियड का, इनफ्लो कितना था? 5 लाख था उस पीरियड का, ठीक है। तो 1 लाख डिवाइडेड बाय 5 लाख प्लस 3, तो ये पे बैक पीरियड क्या हुआ आपके पास? पे बैक पीरियड इज इक्वल टू, सबसे पहले तो ये वाला ईयर लेंगे 3 क्या है आपका? ईयर अप टू विच, ईयर अप टू विच क्यूमुलेटिव CFAT कैश फ्लो आफ्टर टैक्स। अभी इसके ऊपर मुझे डिस्कशन करनी है अभी पूरी, CFAT कैसे कैलकुलेट करना है ये मैंने समझाना है अभी आपको पूरा, ठीक है। ईयर अप टू विच क्यूमुलेटिव CFAT इज लेस देन कैश आउटफ्लो। तो सर ईयर अप टू विच क्यूमुलेटिव CFAT इज लेस देन कैश आउटफ्लो, सर फिर हमने ईयर वन ईयर टू क्यों नहीं लिया? सर जहां तक मैक्सिमम अमाउंट रिकवर हो सकती है हम उस साल तक तो जाएंगे ना, हम पहले ईयर टू क्यों ले लेंगे जब पता है ईयर थ्री तक 9 लाख रुपए रिकवर हो गए, ठीक है। तो 9 लाख रुपए तक तो हमें एब्सोल्युटली क्लियर है। चलो उसके बाद यहां पे भी मैं 3+ लिख देता हूं, क्लियर हो जाएगा। और अब इसको प्लस करेंगे किस में? कैश आउटफ्लो कितना था? 10 लाख रुपए। कैश आउटफ्लो कितना था? माइनस कैश इनफ्लो कहां तक? क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लो फॉर द ईयर अप टू विच द कैश CFAT इज लेस देन कैश आउटफ्लो। ये जो ईयर लिया था यहां तक के जितने प्रॉफिट्स थे, ठीक है, तो इसको लिखते हैं हम क्यूमुलेटिव CFAT फॉर दिस ईयर, ये वाला जो ईयर है इसके लिए क्यूमुलेटिव CFAT, ठीक है, डिवाइडेड बाय कौन से साल का प्रॉफिट लेना आप? अगले साल का। इस पीरियड में कितना कमाया? सर 5 लाख रुपए, तभी तो ईयर 4 का 5 लाख रुपए प्रॉफिट आया ना, 3 से 4 साल के बीच में 5 लाख कमाया। तो CFAT इन द नेक्स्ट ईयर, CFAT इन द नेक्स्ट ईयर फॉलोइंग द ईयर फॉर विच क्यूमुलेटिव CFAT हैज बीन कंसिडर्ड इन न्यूमरेटर, हैज बीन कंसिडर्ड इन न्यूमरेटर। बड़ा सिंपल सा फंडा है कि ये जो साल था इसका अगला साल ले लेना यहां पे, बस बात खत्म होगी, ठीक है। मैंने लंबी चौड़ी लाइन लिख दी, उसके बाद क्रक्स बता दिया कि ये जो साल लिया था इसका अगला साल ले लेना बस। इसके अगले साल में जो प्रॉफिट्स हैं आपके पास, जो कैश फ्लोज हैं, नॉट प्रॉफिट्स, कैश फ्लोज आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट वर्ड ही गलत है यहां पर, ठीक है। तो इसके बाद जो कैश फ्लोज आफ्टर टैक्स हैं वो ले लेने हैं आपने, कोई इसमें दिक्कत परेशानी होनी नहीं चाहिए, सिंपल है। मैंने एग्जांपल दे दी कि 3 साल तक 9 लाख रुपया रिकवर हो गया, बाकी का 1 लाख इस पीरियड में रिकवर हुआ कितने प्रॉफिट्स में से? 5 लाख के प्रॉफिट्स में से, तो कितने टाइम में रिकवर हुआ? सिंपल, ठीक है। उसी को मैंने फॉर्मूला फॉर्म में लिख दिया बस। ये ईयर ले लिया तीसरा, जहां तक CFAT इज लेस देन कैश आउटफ्लो, फिर 10 लाख माइनस 9 लाख की कितना पैसा बचता था इस साल के बाद, डिवाइडेड बाय इस साल के अगले साल के जितने प्रॉफिट्स हैं, ठीक है। सो दिस इज द पे बैक पीरियड इन केस देर आर अनइक्वल कैश फ्लोज इन द डिफरेंट ईयर्स, क्लियर। सो दिस इज द टू वेज यू हैव टू कैलकुलेट द पे बैक पीरियड। सर अब इसमें एक टर्म आती है जिसके ऊपर सारा बेस्ड है, ये मैंने टर्म यूज की है CFAT। ये CFAT क्या है? कैश फ्लोज
after tax. Now this term is very very important. अब ये term important है, ठीक है? इसकी calculation कैसे करते हैं? क्योंकि ये term important है तो इसकी calculation हमें आनी चाहिए कि सर इसको calculate कैसे करते हैं हम लोग. चलो अब देखो इसकी calculation. लो जी, सबसे पहले मैंने क्या लिया, सेल यूनिट्स. मैंने 4 साल ले लिया, ईयर एंड ले लिया, लास्ट ईयर, ठीक है? दिस इज माय लास्ट ईयर. सेल यूनिट्स, कितने कितने यूनिट्स हर साल सेल किए, सेलिंग प्राइस. तो मेरे पास सेल्स आ गई हर साल की. सेल मेरे पास क्या है सर, कैश इनफ्लोज है, ठीक है? सेल आ गई, मैंने उसमें से अपनी टोटल कॉस्ट, ये टोटल कॉस्ट माइनस कर दी. चलो वेरिएबल डेप्रिसिएशन फिक्स्ड कॉस्ट. डेप्रिसिएशन क्यों माइनस की है, क्या है, ये पूरा कॉन्सेप्ट हम लोग लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं. डेप्रिसिएशन तो माइनस करनी करनी है, किस पर्पस के लिए, टैक्सेशन के पर्पस के लिए, इट सेव्स टैक्स, ठीक है? तो मैंने डेप्रिसिएशन टोटल कॉस्ट आ गई, अर्निंग्स बिफोर टैक्स आ गई, लेस टैक्स अर्निंग्स आफ्टर टैक्स आ गई. यहां तक कोई डाउट, ठीक है? डेप्रिसिएशन एड बैक कर दी, क्यों, क्योंकि डेप्रिसिएशन में हमारे पास कोई भी एक्चुअल में कैश आउटफ्लो नहीं होता, इसलिए सिर्फ टैक्सेशन के पर्पस के लिए हम यहां पर माइनस करते हैं, उसको बाद में एड बैक कर देते हैं. दिस इज कैश फ्लो आफ्टर टैक्सेस, ठीक है? कैश फ्लो आफ्टर टैक्सेस. तो यहां तक हर साल के निकलते गए, एंड दिस इज ऑल इज रिलेटेड टू बिजनेस पर्पसेस. बिजनेस से हमने कितना कमाया, कितना उसके ऊपर टैक्स किया, कितनी डेप्रिसिएशन थी, सारा कुछ, सारा के सारा ये किससे रिलेटेड है, आपके बिजनेस ऑपरेशन से रिलेटेड है. अगर आप टी शर्ट्स बनाते हो तो वो टी शर्ट्स बनाने से रिलेटेड आपके क्या प्रॉफिट्स हैं, ये वो है. अगर आपने कोई एसेट सेल कर दिया या कुछ और कर दिया, ये उससे रिलेटेड नहीं है सर. अब ये चीज़ ध्यान से माइंड में बिठा लो, ये क्यों, अब इसका कॉन्सेप्ट मैं आगे समझा रहा हूँ. अभी जो रिमेनिंग पार्ट है इसका, कैश इनफ्लो का, सीएफएटी का, वो उसमें समझ आएगा ये चीज़. मैंने क्या कही कि ये जितना भी पार्ट है, जितनी भी अर्निंग्स हमने ली हैं, ऑल दीज अर्निंग्स रिलेट टू योर बिजनेस ऑपरेशंस एंड नॉट द अदर ऑपरेशंस. जो आप रूटीन में बना रहे हो, अगर आप शर्ट्स बनाने का बिजनेस कर रहे हो, तो ये शर्ट्स बेच के आपने कितना प्रॉफिट कमाया है, ये वो है, ठीक है? तो ये क्या चीज़ है कि शर्ट्स बेचकर आपने कितना प्रॉफिट कमाया, ये उससे रिलेटेड है सारा कुछ. क्लियर सर, समझ में आ गया. अब उसने एक चीज़ कही, उसने कहा एड नेट रिलीज ऑफ वर्किंग कैपिटल. मैंने वर्किंग कैपिटल का कॉन्सेप्ट समझाया था लास्ट लेक्चर में. मैंने क्या कहा था कि अगर हम कोई इन्वेस्टमेंट करेंगे लॉन्ग टर्म, तो उसमें हमें एडिशनल वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी होगी. और जब वो प्रोजेक्ट हमारा खत्म हो जाएगा, अब लास्ट ईयर में जाकर क्या होगा, वो वर्किंग कैपिटल वापस आ जाएगी हमारे पास. जितनी वर्किंग कैपिटल लगाई थी, वो सारी की सारी वर्किंग कैपिटल वापस हो जाएगी. दिस इज माय कैश इनफ्लो. मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि पहले एक यूनिट से दूसरे कैपिटल में वर्किंग कैपिटल शिफ्ट की, ठीक है? जब वो प्रोजेक्ट खत्म हो गया, यूनिट बंद हो गया, वो वर्किंग कैपिटल वापस आ गई मेरे पास, तो कैश फ्लो हो गया, ठीक है जी. नेक्स्ट, कैश सैलवेज वैल्यू ऑफ द एसेट. कैश सैलवेज वैल्यू क्या है, हम बोलते हैं कि टोटल एसेट 10 लाख का खरीदा, एंड में एक जब हम उसको बेचेंगे तो हमें 1 लाख रुपए मिल जाएगा. दैट इज द सैलवेज वैल्यू ऑफ द एसेट. कैश सैलवेज वैल्यू ऑफ एसेट का मतलब क्या है कि अगर हमने एसेट खरीदा है, ठीक है, जब उसको उसकी एंड ऑफ जो उसकी लाइफ है, हर एसेट की एक लाइफ है, 9 साल, 10 साल, 15 साल की, उस लाइफ के बाद वो एसेट नहीं चलेगा, हमें फायदा नहीं देगा. तो जब उस एसेट को हम मार्केट में बेचने जाएंगे, उससे जो भी पैसा हमें मिलेगा, दैट इज द कैश सैलवेज वैल्यू ऑफ एसेट. तो जब उसे बेचने जाओगे तो वहां से आपको क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा. पैसा मिलेगा तो क्या है, कैश आउटफ्लो है, इनफ्लो है, कैश इनफ्लो है सर, इनफ्लो है तो ऐड कर देंगे, ठीक है? ठीक है सर, ऐड कर देंगे. सर एक चीज नहीं समझ आई हमें कि हमने ये ऊपर क्यों नहीं ऐड किया, ऊपर इसीलिए नहीं ऐड किया क्योंकि ये जो सैलवेज वैल्यू ऑफ एसेट है, या जो ये जो पैसा आ रहा है, दिस इज नॉट रिलेटेड टू द ऑपरेशंस ऑफ द बिजनेस. क्या ये रोज में आप ऐसे करते हो कि एसेट बेचते हो, उसकी सैलवेज वैल्यू लेते हो, फिर खरीदते हो, फिर बेचते हो, फिर सैलवेज वैल्यू लेते हो? नहीं, दिस इज नॉट योर रूटीन ऑपरेशंस.
तो पहले जो हमने टैक्सेशन की, जो अर्निंग्स निकाली, वो थी रूटीन ऑपरेशन से रिलेटेड. उसके बाद कैश इनफ्लोज आउटफ्लोज करेंगे जो आउट ऑफ द रूटीन ऑपरेशंस आ रहे हैं हमारे पास. सर वर्किंग कैपिटल तो रूटीन ऑपरेशन से रिलेटेड है, बिल्कुल रिलेटेड है. क्या वो हर साल में हो रही है? नहीं सर, हर साल तो नहीं हो रही. फिर जब हर साल नहीं हो रही तो हर साल की अर्निंग्स में उसे कैसे ले लोगे? नहीं ले सकते. ठीक है जी, हर साल की अर्निंग्स में हम उसे नहीं ले सकते. क्लियर है? चलो सर, वर्किंग कैपिटल भी क्लियर हो गया, कैश सेल्वेज वैल्यू भी क्लियर हो गया. लेस नेट टैक्स ऑन द प्रॉफिट ऑन द सेल ऑफ एसेट. आपके पास एक एसेट था 10 लाख रुपए का, ठीक है जी, क्लियर है. आपकी डेप्रिसिएशन करने के बाद, डेप्रिसिएशन करने के बाद उस आफ्टर डेप्रिसिएशन ऑफ सो मेनी ईयर्स, दिस इज डेप्रिसिएशन, उस एसेट की जो बुक वैल्यू थी वो 50,000 रुपये थी. आपकी बुक्स में वैल्यू क्या थी? 50,000. ठीक है, और इस एसेट की सैलवेज वैल्यू क्या है? इस एसेट को अगर मार्केट में बेचने जाओगे तो वो कितने का एसेट बिक जाएगा आपका? वो एसेट 1 लाख रुपये का बिक गया, बिक गया. अब ये 50,000 क्या है? ये 50,000 आपका प्रॉफिट है, 50,000 प्रॉफिट है. ठीक है सर, 50,000 प्रॉफिट है हमारा. सर जैसे ही ये 50,000 का प्रॉफिट कमाओगे, साथ के साथ गवर्नमेंट आ जाएगी, टैक्स वाले आ जाएंगे आपके पास, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से आएंगे. वो कहेंगे कि आपने 50,000 का प्रॉफिट कमाया, इसके ऊपर टैक्स दो हमें, इसके ऊपर 30% टैक्स दो, 15,000 रुपये का टैक्स दो आप. तो सर ये जो 15,000 का टैक्स है ये क्या है? आपका कैश आउटफ्लो, यही उसने लिया. लेस नेट टैक्स ऑन प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, दैट इज कैश सैलवेज वैल्यू माइनस द बुक वैल्यू. और एड टैक्स सेविंग ऑन लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट. अगर इसकी बुक वैल्यू 1.5 लाख थी, आपने 1 लाख का मार्केट में बेचा, तो 50,000 का लॉस है. तो आप ये 50,000 लॉस के ऊपर जितना टैक्स सेव होता है 15,000 रुपये, आप ये क्लेम कर सकते हो. ये लॉस इसके ऊपर टैक्स सेव हुआ आपका, कहाँ 15,000 देते प्रॉफिट के ऊपर, कहाँ 15,000 सेव हो गया लॉस के ऊपर. तो दिस इज योर टैक्स सेविंग. तो टैक्स सेविंग क्या है? इनफ्लो है, इनडायरेक्ट इनफ्लो है आपका. ठीक है, तो ये सब एडजस्टमेंट करने के बाद आपके पास आता है टोटल CFAT फॉर द लास्ट ईयर, राइट. सो दिस इज हाउ यू हैव टू कैलकुलेट द कैश फ्लोज आफ्टर टैक्स. राइट, तो पहले वाला पार्ट क्या था? बिजनेस ऑपरेशन से रिलेटेड. बाद वाला पार्ट क्या था? जो नॉन बिजनेस ट्रांजैक्शंस हैं, अगर कैश फ्लोज फ्रॉम नॉन बिजनेस ट्रांजैक्शंस, जो हर साल नहीं हो रही सर ट्रांजैक्शन, ये जो ट्रांजैक्शन है बिजनेस आप हर साल कर रहे हो, ये अर्निंग्स हर साल हो रही हैं. नीचे वाली अर्निंग्स हर साल नहीं हो रही, वो तो साल के जब लाइफ उसकी खत्म हो जाएगी, सिर्फ लास्ट ईयर में हो रही हैं वो. क्लियर? ठीक है जी, सो दिस इज हाउ यू हैव टू कैलकुलेट द CFAT फॉर दिस पर्पस. ये किस पर्पस के लिए सर? ये पर्पस के लिए जहां पर CFAT यूज होगा हमारा, यहां पर भी यूज होगा, यहां पर भी CFAT यूज होगा. इनिशियल कैश आउटफ्लोज यहां पर नहीं होगा, यहां पर हमारा कैश CFAT यूज होता है. और ये CFAT इंपॉर्टेंट टर्म है, ये कैलकुलेशन आनी चाहिए, क्योंकि यही CFAT हमारा आगे जाकर भी यूज होना है. ठीक है, कई मेथड्स में हमारा ये CFAT यूज हो रहा है. ठीक है, क्लियर है? सो दिस इज हाउ यू हैव टू कैलकुलेट द वेरियस थिंग्स अंडर द पे बैक पीरियड. और ये जो टर्म है दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कैश फ्लोज आफ्टर टैक्स. और इसमें भी ये दो, एक तो डेप्रिसिएशन की ट्रीटमेंट जो लास्ट लेक्चर में की थी, ये इंपॉर्टेंट है. दूसरा ये चीज समझना कि इतनी अर्निंग्स जो है वो बिजनेस से रिलेटेड है, और ये जो है नॉन बिजनेस ट्रांजेक्शन है, ये कब होगी? ये एंड में होगी. दिस विल बी एट द एंड ऑफ लाइफ ऑफ प्रोजेक्ट, एट एंड ऑफ लाइफ ऑफ प्रोजेक्ट. ये जो बिजनेस ट्रांजेक्शन है दिस विल बी एवरी ईयर, ये हर साल होनी है सर. क्लियर? तो डेप्रिसिएशन का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, डेप्रिसिएशन में गलती नहीं करनी. एक्सप्लेनेशन में आपको दे चुका हूं
कि क्यों नहीं करनी सर हमने गलती, अगर इसके बाद भी गलती की तो फिर मेरी कोई गलती नहीं है उसमें, ठीक है जी। तो इस लेक्चर में हम लोग इतना ही करेंगे। सो बिफोर वी रैप अप दिस, अ फ्यू इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट आई वांटेड टू शेयर, कि फ्रेंड्स कॉस्ट अकाउंटिंग के जो हमारे लेक्चर्स थे वो कंप्लीट हो चुके हैं सारे के सारे यूट्यूब पे, उसके जो नोट्स थे क्वेश्चंस थे वो भी अब यूट्यूब ने वेबसाइट पर अवेलेबल है, www.ksjteaching.org पे थ्योरी क्वेश्चंस की लिस्ट भी अवेलेबल है, राइट। रिवीजन कोर्स जो है कॉस्ट अकाउंटिंग का वो भी हमारा चल रहा है अब, सो यू कैन टेक द बेनिफिट फ्रॉम ऑल ऑफ दिस, ठीक है। सो इट्स योर चॉइस, टेक द बेनिफिट ऑफ ऑल दीज थिंग्स, दीज आर रियली गोइंग टू हेल्प यू। जो नोट्स हैं जो रिविजन के लिए हैं बहुत सोच समझ कर बनाए गए हैं, बहुत मेहनत है उसमें, ठीक है। तो आप लोग कर सकते हो नोट्स के लिए सब्सक्राइब, राइट। सो दैट इज़ योर विश। तो नेक्स्ट लेक्चर में सर हम लोग क्या करेंगे, अब नेक्स्ट लेक्चर विल डू द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑन पे बैक पीरियड, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑन पे बैक पीरियड। So if you have any queries, you can send me an email at ksjteaching@gmail.com, right? And you can visit the website for all the study material, all the stuff. For cost accounting specifically, we have a lot of stuff there. So you can take the benefit of all those things. All those things are prepared for you people only. And you can connect with me on the Telegram app also. The link I'll be providing in the video description. So that's all for this lecture, friends. Thank you so much.